तो आज के DIY में हम बनाएंगे मोल्डेड क्ले से एक एंटीक चाबी, एक एंटीक की, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो उससे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल डेकोरेट विद अनामिका पे। सबसे पहले हम मोल्डेड क्ले लेंगे और इस तरह से दो क्ले आती हैं, उसमें एक हार्डनर होता है और एक क्ले, जिसको हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, थोड़ा ऑफ वाइट कलर का। तो उसके बाद हम इसके एक मोटा सा थ्रेड बना लेंगे और उसको इस तरह से काट लेंगे। थोड़ा हमें ये चाबी का जो टेल होता है, हेड पोर्शन जो रहता है, टेल में तो उसके डिज़ाइन होता है, तो हम फिलहाल इसका फ्रंट जो ले रहे हैं और कुछ इस तरह से मैं इसमें डिज़ाइन बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिए कि आप इसके, आप जहाँ भी इसको बना रहे हैं चाबी को, उसके नीचे आपको ढेर सारा पाउडर लगाना है, क्योंकि क्ले जो है एक बार अगर हार्ड हो गई तो फिर वो सरफेस पे ही चिपक जाएगी और नहीं निकलेगी बाद में, इसलिए नीचे पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने ढेर सारा पाउडर, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ही, मैंने कोई भी आप पाउडर ले लीजिए, वो आप लगा लीजिए नीचे, ढेर सारा छिड़काव कर दीजिए, इससे जो है क्ले नीचे नहीं चिपकेगी। तो इस तरह से मैंने इसकी थोड़े डेकोरेटिव सी बनानी है ये की, ताकि देखने में काफ़ी अच्छे लगे। तो इस तरह से मैं इसको, अब इसका जो ये टेल पोर्शन है जिसमें डिज़ाइन आएगा, इसको सारी क्ले को हम चिपकाएंगे फेविकॉल से, क्योंकि फेविकॉल से क्ले अच्छे से चिपक जाती है। फेविकॉल ले सकते हैं या फिर कोई भी वाइट ग्लू ले सकते हैं, लेकिन जो भी आप ग्लू यूज़ करें वो वाइट होना चाहिए। और ध्यान रखें कि आपका जो अगला पोर्शन है, जो आपने लंबी डंडी बना रखी है आगे, वो स्ट्रेट रहे, वो हिलनी नहीं चाहिए। जो भी आप बना रहे हैं ना, वो एज इट इज़ रहना चाहिए, क्योंकि एक बार सूख जाने के बाद फिर ये वैसी ही रहेगी, आप उसका कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो जब तक ये गीली है तब तक आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। कभी कभी मेरा बेटा भी मेरे साथ काम करवाने की कोशिश करता है, लेकिन उतना करवा नहीं पाता है, क्योंकि मैं उसे हटा देती हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन देखा था। मैंने इसको गूगल पे मैंने सर्च किया था, कुछ इमेजेस चाहिए थी मुझे एंटीक की बनाने के लिए, कि कौन सी अच्छी हो सकती है, तो मुझे एक इमेज ये मिली। वैसे तो काफ़ी सारी थी, बहुत सारी थी, लेकिन ये वाली मुझे अच्छी लगी, तो मैं आपके साथ यही बना के शेयर करूँगी। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं जैसा आपको पसंद हो एंटीक की का, और आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इमेजेस, वहाँ पे आपको ढेर सारी इमेजेस मिल जाएंगी, जैसा आप एंटीक की बनाना चाहें जिस डिज़ाइन का, और इस तरह से आप बना सकते हैं बिल्कुल बहुत ही आसानी से। और इसमें क्ले भी थोड़ा सा ही यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा क्ले यूज़ नहीं होने वाला है इसमें, क्योंकि ये चाबी कितनी बड़ी होगी, तो उसके लिए जो भी क्ले का एक पैकेट आता है ना, उसमें से उसका 1/4 पार्ट भी नहीं लगेगा, वैसे तो उतना कर ही लगेगा थोड़ा सा, तो इसलिए बहुत सारी क्ले मत मिक्स कर दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ही उसको मिक्स करिएगा। तो इस तरह से मैंने इसके छोटे छोटे पोर्शन जो भी बना बना के मैंने चिपका लिए हैं। अब जब जैसे कि यहाँ पे पाउडर नहीं, नीचे मिट गया था, तो मैंने दोबारा से लगाया है इसमें, तो ये ध्यान रखें कि इसके सरफेस पे पाउडर रहना चाहिए,
क्योंकि इसके बाद जब ये बन जाएगी मतलब जब ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसे हिलाएंगे नहीं, जब तक नहीं हिलाएंगे जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाती, और क्ले को ड्राई होने में 90 मिनट लगेंगे, यानी 1.5 घंटा लग जाएगा। तो इसलिए तब तक हम इसे बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, वैसा ही रखेंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए, अपनी शेप, अपना जो भी हमने डिज़ाइन बनाया है वो होल्ड कर लें। अब एक बार जब हमने ये सारा बना लिया है तो उसके बाद हम ये जो भी जॉइंट पे हमने जो ये फेविकोल लगा लगा के जुड़ाए हैं, इसको हम आप किसी, जैसे कि मैंने ये टूथपिक लिया है उसकी हेल्प से मैं कर रही हूँ, नहीं तो आप हाथ से भी इसको थोड़े थोड़े जॉइंट को प्रेस कर दीजिए, ज़्यादा नहीं, बस आपस में ढंग से चिपक जाने चाहिए। ये सब करने के बाद आप इसे चाबी को ऐसे ही अपनी जगह पे छोड़ दें, उसके बाद ये खुद अपने आप सूखेगी, उसके बाद ही इसको, सूखने के बाद ही इसे उठाना है, उससे पहले इसको बिल्कुल नहीं हिलाना है। अब चाबी जब तक सूखती है हमारी, उसकी तैयारी कर लेते हैं हम फ्रेम बनाने की, क्योंकि अब एंटीक की बना रहे हैं तो उसको ऐसे तो नहीं रखेंगे, उससे कोई ताला तो नहीं खुलेगा। तो इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड लिया है एक रेक्टेंगल शेप में, और मैंने दूसरा भी ये जो लाइनों वाला दिख रहा है आपको, ये भी कार्डबोर्ड ही है। तो ये जो कार्डबोर्ड है मैंने ऊपर के इसके एक लेयर हटा दी है, उसके बाद इस तरह का निकल जाता है। अब मैंने ये छोटे छोटे स्क्वायर काटे हैं, आप देख रहे हैं, तो उसको मैं एक एक करके ये अल्टरनेट जो इनके डिज़ाइन है वैसे लगाऊंगी, एक सीधा एक थोड़ा, मतलब जैसे भी अल्टरनेटिवली जैसे लग रहे हैं, ये थोड़े इसके फ्रेम को अच्छा सा लुक देने के लिए। तो एक एक करके मैं ये सारे स्क्वायर जो हैं वो सारे बराबर होने चाहिए, उन सबको चिपका दूंगी। आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी शायद, क्योंकि यहाँ पे आज मौसम बहुत ख़राब है और एकदम हवा इतनी चल रही है, इतना तूफान आ रहा है कि सारे खिड़कियाँ दरवाजे टूट टूट के पड़ रहे हैं, इतने आराम से बंद हो रहे हैं। तो उसके बाद ये मेरी क्ले थोड़ी बच गई थी, क्योंकि मैंने ज़्यादा ही क्ले यूज़ कर ली थी और बच गई थी, तो मैंने उसको वेस्ट नहीं जाने दिया, जो भी बची थी उसके मैंने थ्रेड बना के इस तरह से रख लिए, जो कि अभी सूख चुके हैं, लेकिन अभी मैंने इनको फेविकोल लगा के इस तरह से फ्रेम के जो अंदरले वाले जो एजेस हैं उसको कवर करने के लिए मैंने यूज़ कर लिया है इनका। तो ये अच्छे से चिपक गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इनमें चिपकने के लिए। लेकिन जो आपकी भी अगर क्ले बच जाए तो आप उनका कुछ ना कुछ शेप बना के रख लीजिए, क्योंकि कभी ना कभी किसी और DIY में भी काम आ सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है इसी में यूज़ करें, या जो भी आप कुछ भी शेप बना के रख लीजिए, या फिर इस तरह के थ्रेड बना के ही रख लीजिए, क्योंकि थ्रेड तो काम आ ही जाते हैं हर किसी चीज़ में। तो अब मेरी चाबी एकदम सूख चुकी है और मैंने इस की को उठाया है तो बिल्कुल सही बनी है ये। अब मैं इस पे कर रही हूँ ब्लैक एक्रेलिक पेंट, क्योंकि हमें इसको एंटीक कलर देना है, एंटीक लुक देना है, तो इसके लिए उसके बेस में हमें कोई डार्क कलर करना होता है, और ब्लैक से डार्क तो कुछ नहीं होता, तो इसलिए मैं इस पे कर रही हूँ ब्लैक कलर, ब्लैक एक्रेलिक पेंट करूँगी मैं इस पे। तो चाबी को पेंट करने के बाद इस पे इसको सूखने देना है। सूखने के बाद हम इस पे ये जो मेरे पास एक मेटालिक कलर है, मेटालिक गोल्डन कलर है, जिसको मैं भूल गई थी उसका वीडियो, भूल नहीं गई थी एक्चुअली, रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गई थी, और इसलिए
तो मैंने ये एक डेमो के लिए बना रखी थी अपने पास की, तो मैंने उसी पे दिखा दिया है इसको। एक स्पंज की हेल्प से आप इस पे डैब डैब करके इस तरह से एंटीक लुक दे सकते हैं। उसके बाद हमारी फ्रेम भी बिल्कुल सूख चुकी है, एकदम ड्राई हो चुकी है, तो उसके ऊपर भी हम कर देंगे ये ब्लैक एक्रेलिक पेंट। आज बहुत ही ज़्यादा तूफान चल रहा है जयपुर में, तो इस तरह से इसको ब्लैक कलर करने के बाद देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है। और अब ये लिया है मैंने कार्डबोर्ड का, जो मैंने पेपर ऊपर से निकाला था ना, वही लिया है मैंने। अब इसको मैं इसके जो साइड है इसको मैं रफली ऐसे अपने हाथों से ही काटूंगी, लेकिन ध्यान से काटना है, ज़्यादा भी नहीं काटना है, बिल्कुल ध्यान से, ऐसे फटाफटा सा लगना चाहिए ये, बिल्कुल रफ इसकी एजेस कर देनी है। अब इसको हम इसको बीच में चिपका लेंगे फेविकॉल से या किसी भी ग्लू की हेल्प से आप इसको चिपका लीजिए। तो इस तरह से आप इसे चिपकाने के बाद इसके ऊपर हम मोड पॉच ग्लू यूज़ करेंगे। ये जो होता है वो कुछ नहीं, वाइट ग्लू आप लीजिए और वाइट ग्लू में थोड़ा सा पानी मिला के इसे थोड़ा पतला कर लीजिए, वही होता है ये। तो इसके लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो इसके बाद ये जब एकदम ड्राई हो जाएगा तो अब हम इसके फ्रेम को भी हम देंगे एंटीक लुक, जिसके लिए मैंने फिर से ये मेटालिक येलो कलर यानी मेटालिक गोल्डन है ये, तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से ब्रश से ही हम स्पंज पे लगाएंगे, और अगर ज़्यादा हो तो उसको आप निकाल लीजिएगा क्योंकि हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। और इस तरह से हम स्पंज पे इस पर डैब डैब करके सारी फ्रेम पे इसको अप्लाई कर लेंगे, और जब भी ज़रूरत पड़े तो इसी तरह से ब्रश से स्पंज पे पेंट लगाना है। तो आप देख रहे हैं कलर करते ही इसको एक एंटीक लुक देते ही कितना ऐसे अलग सी लग रही है, लग ही नहीं रहा है कि ये कार्डबोर्ड की बनी होगी फ्रेम। तो अब हम अपनी चाबी को भी ग्लू लगा के इस पे चिपका देते हैं। इसको सारी चाबी को अच्छे से फेविकॉल लगा दीजिए, फेविकॉल या कोई भी वाइट ग्लू। अब जब ये सारा काम सूख जाएगा उसके बाद हम अपना फाइनल कोटिंग करेंगे वार्निश की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो इस तरह से हम सारे इसमें अपने सारी फ्रेम में चाबी पे जहाँ भी है वहाँ पे हम कर देंगे वार्निश अप्लाई। और आप देख रहे हैं एक होंगे कि ये कुछ वाइट पैच सा आ रहा है, लेकिन ये जब सूख जाएगी वार्निश तो एकदम नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल ये नहीं दिखेगा। तो इस तरह से इस सारे पे वार्निश अप्लाई कर देंगे और वार्निश के फिर सूख जाने का इंतज़ार भी करेंगे। अब वार्निश के सूख जाने के बाद इसके हम हैंग करने के लिए हुक बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये पुराने बैग की जो लड़ी सी होती है पकड़ने के लिए वही ली है, और उसको मैं ग्लू से चिपका दे रही हूँ, और साथ में ये मास्किंग टेप लगा दी है ताकि अच्छे से स्टिक रहे। उसके बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से है, बिल्कुल एंटीक लग रही है ये। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।